आज हम बात करेंगे स्किन की एक कॉमन कंडीशन जो कि मोटापे का शिकार लोगों में ज़्यादा कॉमन है उसके ऊपर, और उसमें होता क्या है कि आपकी जो स्किन फोल्ड्स हैं, यानी कि जैसे गर्दन की जो स्किन है वो आपकी बगल है, यानी अंडर आर्म्स की स्किन, और अंडर लेग्स जो स्किन है वो मोटी होना शुरू हो जाती है और काली होना शुरू हो जाती है, और उसमें स्किन टैग्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को मेडिकली एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस के बारे में। स्टे विद अस। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन के राइट साइड पे रेड बटन है, उसको प्रेस करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर कमल कॉकर एंड आई एम ए स्किन स्पेशलिस्ट, और इसके साथ साथ मैं एक एस्थेटिक कंसल्टेंट भी हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, यानी थिकनिंग एंड डार्कनिंग ऑफ स्किन फोल्ड्स। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में आपकी जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे कि मेन फ्लेक्चर्स जो कि नेक है, अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स हैं, वहाँ पर स्किन ऐसा ऐसा मोटी होना शुरू हो जाती है और उसका कलर डार्क होने लगता है, डार्क ब्राउन, और उसका टेक्सचर वेलवेटी सा हो जाता है, और उसमें स्किन टैग्स जिनको आप आम जबान में मसे कहते हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन की वजूहात हैं जैसे कि फेमिलियल प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनकी औलाद में भी ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा और बहुत ही कॉमन जो इसका रीज़न है या कॉज है वो है ओबेसिटी, यानी मोटापा। जो लोग बहुत जिनका वेट ज़्यादा होता है उन लोगों की स्किन में भी जो नेक की स्किन है, अंडर आर्म्स हैं, वहाँ पर स्किन मोटी होना शुरू हो जाती है और काली होना शुरू हो जाती है। मोटापे में क्यों इस तरह से होता है? क्योंकि इंसुलिन लेवल्स जो है वो बढ़ जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों में फैट मास ज़्यादा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और फ्लेक्चर्स ही क्यों? क्योंकि फ्लेक्चर्स यानी जो आपके स्किन फोल्ड्स हैं, यहाँ पे एक तो मूवमेंट ज़्यादा होती है, जब स्किन मोटी होती है तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और स्वेटिंग भी ज़्यादा हो रही होती है। तो ये कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स हैं जो प्रीडिस्पोज करते हैं इन एरियाज़ को कि वहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। देन देर आर सर्टेन ऑटोइम्यून कंडीशंस एंड हार्मोनल डिजीजेज, हार्मोनल डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम्स जिनके साथ इसका ताल्लुक होता है। फिर बहुत ही कम चांसेस हैं, वेरी रेयरली ये साइन भी हो सकती है कोई अंडरलाइंग मैलिग्नेंसी का। अगर ऐसा होता है तो उसमें ये सिर्फ फोल्ड्स की हद तक महदूद नहीं होती है, बल्कि ये आपके और भी स्किन के जो बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी की स्किन है उधर भी ये डेवलप हो सकती है, जैसे कि नकल्स पे आ जाएगा, पाम्स पे, फेस पे, इवन कि जो आपका ओरल म्यूकोज़ा है, जो लिप्स हैं, ये इनमें भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो ऐसे में आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे कंसल्ट करना चाहिए ताकि एवेल्युएट किया जाए कि खुदा न खास्ता कोई इंटरनल मैलिग्नेंसी तो नहीं है जिसकी वजह से ये हो रहा है। बट अगेन बहुत कम ऐसा होता है, वेरी रेयर। इस कंडीशन की प्रिवेंशन क्या है? क्योंकि इसका सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपका वेट कंट्रोल नहीं होगा, अगर सबसे पहले आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये कंडीशन ठीक होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो वेट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए क्या किया जा सकता है कि आप अपनी बैलेंस्ड डाइट लें, एक्सरसाइज करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, चेंज करें, उसको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, तो आपका वेट कंट्रोल हो जाएगा और आपकी ये इस कंडीशन में खुद ब खुद कमी आ जाती है, बल्कि ये ख़त्म ही हो जाती है। इसके अलावा क्योंकि पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ इन एरियाज़ में ये फोल्ड जो होते हैं स्किन के ये ऑक्लूडेड होते हैं, यहाँ पर स्वेटिंग हो रही है, देन फ्रिक्शन है, तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास क्या क्या चॉइसेस हैं इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए? नंबर वन,
क्रीम्स हैं, क्रीम्स जिनमें रेटिनॉइड रेटिनॉइक एसिड्स होते हैं और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हैं एंड सैलिसिलिक एसिड है, वो क्रीम्स आपको दी जा सकती हैं अप्लाई करने के लिए इन एरियाज में. तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी स्किन का टेक्सचर इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है. इस कंडीशन के साथ जो एक और प्रॉब्लम आता है वह है स्किन टैग्स बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, तो उनको इलेक्ट्रोकॉटराइज किया जा सकता है. एंड कुछ डॉक्टर्स आपको ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं क्योंकि वेट ज़्यादा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन लेवल्स बढ़ गए हैं, तो उस कंडीशन को जब आप ठीक करते हैं तो ये कंडीशन भी ठीक हो जाती है. और उसके लिए अक्सर डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन भी सजेस्ट करते हैं. एंड कभी मतलब इन फ्यू केसेस रेटिनॉइड्स ओरल रेटिनॉइड्स भी प्रेस्क्राइब किए जा सकते हैं. तो इस तरह से ये कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है. देन देर आर केमिकल पील्स जिनके ज़रिए इस कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है. और इसके अलावा कुछ लेज़र्स हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं जिनसे इसको ट्रीट किया जा सकता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस. मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. अगर ऐसा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़. Take care of yourself and your skin.